क्या भारत को रूस यूक्रेन युद्ध से फायदा हो रहा है? अब तेल ही देख लीजिए, भारत को यह हाल में काफी सस्ते दामों पर मिला। अब पाबंदियों की वजह से पुतिन को रूसी माल निर्यात करने में दिक्कत हो रही है, पर इस मामले पर जानकारों का क्या कहना है? Also Sie werden sicherlich gute Angebote aus Russland erhalten und Sie werden sich sicherlich jedes Mal überlegen, inwieweit man sie annimmt. भारत और रूस भविष्य में अमेरिकी डॉलर के बजाय रुपए और रूबल में कारोबार करना चाहते हैं। इससे रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से निपटने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन क्या अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करना मुमकिन होगा? einen Rubel-Rupien-Austausch verständigt. Also es gibt bereits solche Mechanismen oder man wird auf diese zurückgreifen können. Deshalb denke ich mir, dass das durchaus machbar ist. भारतीय वित्त मंत्री तो कह भी चुकी हैं कि वे अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देंगी। अगर उन्हें सस्ते में तेल मिल रहा है तो वो क्यों ना लें? भारत और रूस के कारोबारी रिश्ते दशकों पुराने हैं। भारत की दुविधा ये है कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसे पश्चिम की मदद चाहिए। इसमें आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उदाहरण देख सकते हैं, वहीं पश्चिमी देश भारत से कुछ खफा दिख रहे हैं। Man hat de facto seine wirtschaftliche Modernisierung an den Westen ausgelagert. Das heißt, Russland kann hier natürlich nicht auf gute Beziehungen zum Westen verzichten. फिर भी भारत रूस से अतिरिक्त आयात की योजना बना रहा है। वो रूस से 45,000 टन सूरजमुखी तेल खरीद रहा है, जो पहले यूक्रेन से आने वाला था, और अपने स्टील उद्योग के लिए भारत कोयले का आयात भी दोगुना करना चाहता है। Momentan sieht es nicht so aus, dass die G7-Länder genug sozusagen Druck auf die Regierungen von diesen Ländern ausüben können, damit die Lieferungen überhaupt stoppen. भारत सरकार कब तक इस रणनीति पर आगे बढ़ सकती है? पश्चिमी देश कब तक ये कारोबार बर्दाश्त कर पाएंगे? Asien eben für Indien mittel- bis langfristig aus strategischer Perspektive natürlich der politisch und wirtschaftlich auch militärisch wichtigere Partner. भारत को संतुलन बनाने की जरूरत तो है, लेकिन रूस से भारत का कारोबार महज 9 अरब डॉलर का है। इसकी तुलना में भारत चीन के बीच 100 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इससे तो यही लगता है कि भारत के पास अभी और आयात की गुंजाइश है।